मांझे के जो स्पेशल छल्ले है वो देखिए कितने बढ़िया छल्ले इसके बने हुए हैं मांझे के। ठीक है, यहाँ इस मांझे के अंदर आप शीशा देख सकते हो, कितना जबरदस्त चमक रहा है शीशा, रगो रगो में इसके शीशा भरा हुआ है मांझे के अंदर। व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भाई अपने घर पे मौज कर रहे होंगे। पतंगबाजी का तो सीजन भाई अब जा शुरू हो चुका है लगभग लगभग, मतलब जो चिंगारी है ना वो थोड़ी थोड़ी झुलस चुकी है, बस अब बस पूरे बारूद में आग लगने वाली है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस सीजन में हम देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, नागपुर और पंजाब के साइड में बहुत तकड़ा सीजन चलता है दोस्तों, मतलब मजा आ जाता है। तो ऐसे में भाई डिमांड रहती है कि यार कुछ नया आया है क्या, कुछ पुराना ही चल रहा है क्या, चल रहा है तो बहुत सारी चीजें रहती है दिमाग में भी। तो ऐसे में आज मैं आपके सामने लॉन्च करने वाला हूँ एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी चीज जो आप देखकर खुश हो जाओगे कि ये चीज का हम कब से वेट कर रहे हैं और अब वो चीज हमारे हाथ में बस आने वाली है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठेगा, पेश करने जा रहा हूं आपके सामने एची कंपनी का डिफेंडर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई ये है आपका 9 तार पे बना हुआ डिफेंडर, क्या क्वालिटी है, कैसा इसका लुक है, सारी चीजें डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं, मांझो की वीडियो आपको ऐसे ही दमदार तरीके से मिलती रहेगी। और ये स्पेशली कॉटन मांझे पे ही बनाया गया है, 9 तार जो होता है वो कॉटन मांझे पे ही बनता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल यूज किया हुआ है वो भी बताऊंगा, सारी डिटेल दूंगा। बस एक चीज यहाँ पे मैं आपसे मांगना चाहूंगा कि पतंगबाजी नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आप अगर सोच रहे हो कि यार मजा नहीं आ रहा तो भाई मजा पैदा कीजिए, वो आपका काम है कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको इससे रूबरू मिलाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों। तो भाई पेश है आपके सामने चमचमाता हुआ डिफेंडर, ये देख लीजिए दोस्तों। अभी मैं आपको इसकी पूरी खूबसूरती दिखाऊंगा भाई। ये जो चरखी है 12 रील की चरखी है और 12 रील की चरखी पे ये 9 तार का मांझा लिपटा हुआ है, 6 रील आता है इसके अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट बाई एडजी, ठीक है, एडजी कंपनी का ही ये प्रोडक्ट है। और सामने की तरफ पर भाई यहाँ से यार इसका जो मुखौटा है ना बहुत जबरदस्त लग रहा है भाई मुझे तो, एक शैतान का शक्ल का आपको यहाँ पे डेविल नजर आ रहा होगा और इसी के साइड में एक बहुत बड़ा डेविल है जिसके बहुत खतरनाक यहाँ पे दांत आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे साइड में आते हैं, ये जो बहुत बड़ा डेविल है ये चुनौती दे रहा है आपको उंगली करके, इसके इस वाली उंगली में जो मिडिल उंगली है 3 मुखोटे जिन्हें 4 है, ये छोटे छोटे भूत टाइप के बने हुए हैं जिसने अपने हाथ में एक रिंग पहनी हुई है, गजब भाई। और नीचे की तरफ लिखा हुआ है 100% कॉटन थ्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंडर, समझ रहे हो, एक लोगो है डिफेंडर टाइप करके, डिफेंडर मांझा का नाम है, कंपनी एडजी है। और यहाँ की लेबलिंग की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट किया हुआ है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जरा अच्छे से पता लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा इसका लेबल। देखो भाई आ रहा है समझ में, सेम वही यहाँ पे लेबल है जो यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है कंपनी वालों ने। ठीक है, अब मैं इसको बीच में से ओपन करता हूँ, बीच में देखता हूँ क्या है इसके। चलिए दोस्तों बीच में से ओपन करते हैं इसको। ये भैया मैंने चिट हटा ली है, बड़ी कैडी चिट चिपक रही, अरे वाह, पूरा का पूरा एकदम भाई पैक पन्नी में लपटा हुआ पैक हुआ आया हुआ है मांझा, क्या बात है। और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मांझे की क्वालिटी है अभी मैं आपको चेक कराऊंगा तो आपको पता लगेगी कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है जी, अनबॉक्स तो खैर ये हुआ पड़ा है, बस खाली पन्नी हटानी बाकी है, बाकी मैं आपको हाथ में मांझा भी लेके दिखा दूंगा और कौन कौन सी पतंग आप इसमें यूज कर सकते हो। भाई ये 9 तार का मांझा है, आर्टिकल भी दिखाता हूँ आपको, रुको 1 मिनट, मेरा इसको ना अनबॉक्स करने का मन कर रहा है, कर दूँ क्या अनबॉक्स? हाँ कर दूँ कर दूँ, फाड़ दूँ कपड़े फाड़ दो। अनबॉक्स करने में मजा है ना वो भाई, सच बता रहा हूँ मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, मुझे अनबॉक्स करने में मजा आता है। और इसमें सामने की यहाँ पे जो ये जो चिट चिपकी हुई है ये यहाँ पे एक छोटा सा क्या है डिफेंड कर रहा है अपना आपको, ये तीर लगे हुए हैं इसके, एक शील्ड ले रहा है हाथ में। और ये यहाँ पे डिफेंडर DFENDR की पूरी लोगो पूरी एकदम बहुत बड़े तरीके से लेबलिंग देख सकते हो, दोनों आपस में चिपके हुए हैं। हटाएं इसको, थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा है, ये थोड़ा कंपनी को प्रिंटिंग अपनी अच्छी करनी चाहिए थी, चलो क्या क्या ही कह सकते हैं।
लेकिन क्वालिटी मुझे जैसे हाथ लगा के फील कर रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रही है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा देख के हटाना पड़ेगा भाई, बाद में चिपकाना भी है क्योंकि जब इसको मैं छत पे लेके जाऊँगा तब ऐसे ऐसे ही इसको यूज़ करूँगा। चल भैया हट गया 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 हट गया। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसमें आर्टिकल पढ़वा देता हूँ, आर्टिकल कहाँ पे लिखा हुआ है सुसदे का, आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये पढ़ो भैया आर्टिकल पढ़ो सबसे पहले आप, ठीक है। जो मेन काम है पहले वो पढ़ो। वर्धमान, ये देखो आर्टिकल 325 H 325, ठीक है जी, 9 कोड, ठीक है। नेट क्वांटिटी 1000 मीटर की एक रील होती है इसकी, और यहाँ पे मेड इन इंडिया, ये तो बस इसके कंपनी के वो है कि कहाँ ये मतलब कंज्यूमर नंबर वगैरह पता नहीं क्या क्या आइटम जो अपनी डिटेल्स वगैरह डाल देती कंपनी। और ये देखो पूरी 6 रील इसमें छकाचक भरी हुई है भाई, ठीक है जी। और एक आता है पांडा गोल्ड नोतार पे, एक आता है H325, एक आता है 900 कुछ करके आर्टिकल आता है, लेकिन ये 300 H 300 जो 25 है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए इसकी क्वालिटी चेक कराता हूँ आपको एक बार। मांझे के जो स्पेशल छल्ले है वो देखिए कितने बढ़िया छल्ले इसके बने हुए हैं मांझे के, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अब इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। ओए होए होए होए, क्वालिटी देखो भाई, ये देखो दोस्तों क्वालिटी देखो आप भाई। इस मांझे के अंदर आप शीशा देख सकते हो कितना ज़बरदस्त चमक रहा है शीशा, रगो रगो में इसके शीशा भरा हुआ है मांझे के अंदर। और इससे आप एक तवा डेढ़ तवा बड़े आराम से उड़ा सकते हो, स्पेशली पंजाब वाले जिनको शौक़ है दो दो तवा ढाई ढाई तवा उड़ाने का, तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आ चुका है तहलका मचाने के लिए। खींच में बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, बेफिक्र होके यूज़ कर लो, कोई नहीं टिकेगा इस बात की भी गारंटी लूँगा, ठीक है जी। ढील में 700 मीटर 800 मीटर पे फंसा के कैसे लड़ा लो, घर में ना जाके अपना हुक्म जाहिर कर दे तो कह देना भाई, इस चीज़ की भी मैं यहाँ पर गारंटी लूँगा। जल्दी से इसका हम टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, ज़्यादा आपको वेट नहीं कराऊँगा, ठीक है। फिलहाल आप मांझा देख सकते हो, छल्ले देख सकते हो कितने ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसके बारे में, जैसे कि सपोज़ करो कि आपको अगर ये मांझा ही नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत लो, आपकी चॉइस है। अगर आपको मांझा चेक करना है कॉटन का स्पेशली, अगर आप ख़रीदने जा रहे हो तो कैसे चेक करोगे आप, वो ध्यान से सुनना। सपोज़ करो कि आपको ख़रीदना है स्पेशली भाई, मुझे चाहिए खींच खींच का मांझा चाहिए, ठीक है, तो उसकी धार कैसी होनी चाहिए। देखिए भैया, सबसे पहले तो आप इसकी ऐसे हाथ चेक करके डोर को चेक करो कि धार उसकी गोल है या नहीं है, कहीं से उबड़ खाबड़ तो नहीं है, ठीक है, सबसे पहला वो चेक करना है। अगर उबड़ खाबड़ है तो उसको वहीं छोड़ देना है, गोल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है उसमें कांटा कैसा लगा है, अगर उसका कांटा बहुत आपको चुभता हुआ नज़र आ रहा है तो भाई उस डोर को चुपचाप उठा के लेके आना, क्योंकि वो आपका स्पेशली खींच के मतलब के लिए ही बनाया गया है, खड़ा कांटा रहेगा उसका, ठीक है, और हल्की वो मोटी रहेगी डोर, बारीक नहीं रहेगी, समझ में आ रही है ना मेरी बात। और अगर आपको चाहिए स्पेशली ढील ढील के लिए तो डोर रहेगी आपकी बारीक और उसका जो कांटा रहेगा वो हल्का मीडियम रहेगा, समझ में आ, ये कांट बांध लेना भाई, मरते दम तक मत बोलना, किसी भी दुकानदार के सामने खड़े होकर डोर चेक कर लेना, कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो जो इस पर कांटा लगा है इस पर लगाए मीडियम टाइप का, ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा मीडियम है, और ये मीडियम साइज़ की डोर है, इसे आप फंसा करके खींच तान करके दोनों तरीके से लड़ा सकते हो, ये दोनों तरीके की डोर है डबल साइड की, दोनों पे वार करेगी भाई। तो भाई मेरे हिसाब से भाई डोर बहुत ज़्यादा स्पेशली देखिए कितना चमक रहा है, एक नंबर का भाई, तहलका मचाने के लिए तैयार है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर लेना भाई, आपको निराश नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो ये है आपका पांडा नौतार का स्पेशल आर्टिकल H325 पे, मज़ा जाएगा यूज़ करोगे तो। बाकी कंपनी भाई अपने हैंड से बढ़िया ही काम करके देती है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के दे दिया, बाकी हम इसकी टेस्टिंग जल्दी करेंगे, ज़बरदस्त एक नंबर। क्वालिटी देखो भाई, क्वालिटी के ही मैं फ़ैन हूँ, क्वालिटी के ही मैं पक्ष में रहता हूँ, क्वालिटी से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता दोस्तों, ठीक है। बाकी आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा काम है आपको अच्छी चीज़ें दिखाना और जो चीज़ों का मैं शौकीन हूँ वो चीज़ों को आपको आप तक नॉलेज पहुँचाना, ठीक। बाकी आप वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसा लगा आपको, क्वालिटी कैसी लगी है वीडियो की, एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज रह गई हो तो भाई मुझे DM में पूछ लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन की वीडियो में है, अगर DM नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम का लिंक भी है, ठीक है ना, वहाँ पे पूछ लेना। अच्छा दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।